हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। देखिए, जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन असेसमेंट होने वाले हैं उसका जो शेड्यूल है वो सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके क्लिक कीजिएगा। उस पर आपको पूरा प्रोसीजर समझा रखा है कि आपको अपने कोर्स के हिसाब से अपना शेड्यूल कैसे डाउनलोड करना है, और वहाँ पर आपको अपनी डेट एंड टाइमिंग शो हो जाएगी। तो इसी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए, जो हमारा असाइनमेंट होने वाला है ऑनलाइन मोड पे एमसीक्यू बेस्ड, उसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों की हमें सख्ताई रखनी है। सेकंड डाउट, हमें कितना समय मिलेगा एमसीक्यू देने के लिए, और जो हमारी टाइमिंग है वो कहाँ तक चलती रहेगी, और हमारा कैमरा ओपन होगा या नहीं होगा, वो सारे डाउट्स भी आपको बताए जाएंगे। और लास्ट मेन डाउट, जो कि बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि सर हमारा असाइनमेंट होगा या नहीं होगा, अगर होता है तो क्या हमें बाद में देना पड़ेगा या फिर हमारा असाइनमेंट होगा ही नहीं होगा। तो इसी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, तो हमने सोचा आज की वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको गाइडलाइंस का ही समझाते हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, ये आपके ऑफिशियल गाइडलाइंस है जो कि सोल की तरफ से रिलीज़ की गई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड, ऑनलाइन मोड पे होने वाला है और एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो आपके कैंडिडेट्स हैज़ टू क्लिक ऑन, ये आपकी साइट होने वाली है जिस पे आपको अपना ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट देना है। मैं आपको उसको लास्ट में दिखा भी दूंगा कि अभी तक ये स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, और आपको उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड डाउट के ऊपर, फिल रिक्वायर्ड सोल रोल नंबर एंड बार कोड फॉर स्टूडेंट लॉगिन। अब जिन स्टूडेंट्स को अभी तक बार कोड नहीं मिला है, तो उनसे कहना चाहते हैं जल्दी कैंपस जाइए, अपना बार कोड ले आइए, वरना आप अपना असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे। ये गारंटी है, बिना बार कोड और सोल रोल नंबर के आपका जो असाइनमेंट है वो आपका लॉगिन ही नहीं होगा पेज, ना ही आपके सामने एमसीक्यू शो होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, बिना रोल नंबर और बार कोड के आप अपना पोर्टल लॉगिन नहीं कर सकते हैं, जो आपकी आपका अलग होगा वो मैं आपको बता दूंगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एज़ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल क्लिक रिक्वायर्ड पेपर यूनिक पेड अटेम्प्ट फॉर ऑनलाइन एमसीक्यू। इसका मतलब क्या है, जो आपका पेपर कोड होगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, सभी सब्जेक्ट के होने वाले हैं सातों के सातों, तो उसके पेपर कोड के हिसाब से आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि उस दिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऑनलाइन बेस्ड पे असेसमेंट है, तो आपको अपने वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही, सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड मैच करके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आता है चौथा पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड। इसका मतलब यह है, जो आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है उसका जो ड्यूरेशन, जो टाइम चलेगा, मतलब 1 घंटा मिलेगा या 2 घंटा, जो भी मिलेगा वो आपका टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन चलता रहेगा, कि मतलब उल्टा टाइम चलेगा। जैसे 1 घंटा मिल रहा है तो 59 मिनट, 58, 57, 56, ऐसे उल्टी उल्टी घड़ी चलती रहेगी। ये बात आपको समझ में आएगी। उसी टाइम में आपको सबमिट करना है टिक टिक करके। ये हो गया। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे और वो कितना समय मिलेगा, वो तो देखिए 1 से 2 घंटे समय मिलेगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपको जब ऑनलाइन असेसमेंट स्टार्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा, कि आपके 20 क्वेश्चन हैं या 25 क्वेश्चन हैं, जो भी होगा वो आपको उसी दिन पता चलेगा, उसके लिए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब आते फिफ्थ डाउट पे, हुआ दिट एमसीक्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपके एमसीक्यू दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको क्लिक कर देना है। अब बात रही, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर कैमरा ओपन होगा या नहीं होगा। देखिए, कैमरे का एक्सेस नहीं होगा वेबसाइट के पास, ये बात ध्यान रखिएगा। बिना कैमरे के आपका असाइनमेंट होगा, तो आप आराम से जो कहना चाह रहे हो आपकी चीटिंग आराम से आपकी बिंदास हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हम भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ये हो गया। अब आते हैं सिक्स डाउट के ऊपर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन बिफोर हाफ एन आवर। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो आधे या 1 घंटे से पहले ही अपना पोर्टल है वो लॉग इन करके रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ नए पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो वेबसाइट क्रैश होना गारंटी है। जो एंड टाइम पे करेंगे उनका तो लॉगिन ही नहीं हो पाएगा पोर्टल, और उनका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप आधे घंटे 1 घंटे पहले ही लॉगिन करके रख लीजिएगा, 10-15 मिनट भी पहले करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। अब आते हैं सेवन डाउट के ऊपर, टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एमसीक्यू बेस प्लीज़ क्लिक। इसके ऊपर जाके देख लीजिएगा, इसके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता चल जाएगा। ये वही आपकी ऊपर वाली वेबसाइट है जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। अब आते हैं एट डाउट के ऊपर, बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एमसीक्यू कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर डिटेल्स एंड सब्जेक्ट कोर्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। मतलब जो आपको पहले ही मैंने बता दिया, जिस सब्जेक्ट का आपका डैशबोर्ड में आपके पास जो सब्जेक्ट है उसी पेपर कोड और उसी सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू देना है, दूसरे सब्जेक्ट में मत घुस जाइएगा वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट डाउट के ऊपर, ये आपको दे रखा है, अगर आपके साथ कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है, क्रैश हो जाती है या फिर आपका टिक नहीं होता, तो आपके पास ये सारे नंबर है, आप इन पर जाके कॉल कर सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है
सोल के असाइनमेंट के ऊपर। ये आपको समझ में आ गया, मैंने पूरी गाइडलाइन समझा दी है। बाकी टाइमिंग है जो आपको 1 से 2 घंटे इतनी मिलेगी हाईएस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एक स्टूडेंट है कोर्स के हिसाब से, एक का 12 बजे एग्जाम है और एक का 2 बजे है, तो 2 घंटे बीच में गैप है, तो या तो 1 घंटा मिलेगा या 1.5 या 2 घंटा, यही आपकी मैक्सिमम टाइमिंग रहने वाली है। टाइमिंग का इश्यू चला गया। अब आते हैं बीए प्रोग्राम के ऊपर। देखिए बीए प्रोग्राम के असाइनमेंट पेपर से पहले होना तो पॉसिबल ही नहीं है जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि लास्ट 26 तक आपके असाइनमेंट चलने वाले हैं और बीए प्रोग्राम के फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो बीए प्रोग्राम का असाइनमेंट लेना पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये करेंगे, आपके जो पेपर में मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपके एमसीक्यू में मार्क्स लगा देंगे, वरना ऐसा होगा या तो आपको पेपर के बाद आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा। जो भी होगा वो आपको अपडेट दे देंगे। अभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जहाँ तक है आपके असाइनमेंट नहीं होंगे। चलिए फिर वीडियो ही ख़त्म करते हैं। अभी भी कोई डाउट होता है आप कमेंट से पूछ सकते हैं, भेजिए।